हेलो दोस्तों, आज हम लोग मेमोरी के बारे में जानने चल रहे हैं। मेमोरी क्या है? व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस, प्रोसेसिंग इट, स्टोरिंग इट एंड लेटर रिकॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन। बट कंप्यूटर और मोबाइल फोन हमारी तरह सोच तो सकते नहीं। तो कंप्यूटर और मोबाइल फोन से रिलेटेड जो मेमोरी की डेफिनेशन है वह होगी अ प्लेस वेर इंफॉर्मेशन और डाटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड मेमोरी। अब बात आती है मेमोरी कितनी तरह की होती है। तो मेमोरी दो तरह की होती हैं, फर्स्ट रैम एंड सेकेंड रोम, जो कि हम बचपन से ही रैम और रोम पढ़ते आ रहे तो हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट है बाइट। बट जैसे हमने पढ़ा है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट हम पढ़े कि एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार बाइट भी बिट से मिलकर बना है। अब बिट क्या है? अब बिट इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द मेमोरी एंड निवल ग्रुप ऑफ 4 बिट्स एंड बाइट ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड तो दोस्तों, बाइट। अब चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ग्रुप ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट एंड 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB एंड 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB एंड 1024 EB इज इक्वल टू 1 ZB एंड 1024 ZB इज इक्वल टू 1 YB। MB, KB, GB ये सब क्या है? KB इज किलोबाइट, MB इज मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, YB योटाबाइट। अब एवरी हायर मेमोरी यूनिट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 ऑफ इट्स लोअर यूनिट। ये 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। यह थी मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक यू।